श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री। जब किसी भी क्षेत्र के बेसिक्स क्लियर होते हैं तो फिर उस क्षेत्र में प्रगति करना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रकार से अध्यात्म के जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को उसका दर्शन कहते हैं। तो जैसे उपनिषद या भगवद गीता, उसी प्रकार से भागवत और योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ के सिद्धांत यदि हमको समझ में आ गए तो फिर उसमें जो कहानियां बताई है उन कहानियों का हम योग्य प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं। अन्यथा हम केवल लॉजिक आर्ग्यूमेंट और एकेडमिक्स में ही लग जाते हैं। और इसीलिए यहाँ हम लोग जो योग वशिष्ठ का दर्शन है उसका चिंतन कर रहे हैं। इसमें कहानियां कम है और सिद्धांत का प्रतिपादन ज्यादा है। तो हम लोग आए समय तक। समय क्या है? देश कालाभिधानेन राम संकल्प एव हि कथ्यते तद्वशात् एतस्मात् कालौ स्थितौ गतौ। तो यह जो काल है यह केवल यही शुद्ध चैतन्य भिन्न भिन्न प्रकार से विचारों के कारण काल का जन्म होता है। जिसको हम काल कहते हैं या समय कहते हैं उसका जन्म कैसे होता है, ये बड़ी सिंपल अच्छी बात है। जहाँ क्रम निर्माण हो गया, क्रम माने सीक्वेंस, क्रम के निर्मिति को काल कहते हैं। एक घटना हुई, फिर दूसरी घटना हुई, फिर तीसरी घटना हुई, फिर चौथी घटना हुई, एक तो क्रम हो गया। दूसरी बात, जहां गति है वही क्रम है, जहां स्थिति है वहां क्रम नहीं है। जैसे एक काल नहीं क्योंकि गति नहीं, फिर एक दो तीन चार पांच अनेक आ गए, उसमें क्रम हो गया, उसमें गति निर्माण हो गई और काल का जन्म हुआ। लेकिन ये सभी का सभी जिस अधिष्ठान पर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काल को दो प्रकार से समझना है। एक तो यह जो हम काल कहते हैं यह काल का नाप है, और जो इस नाप के द्वारा नापा जाता है वह मूल काल है। तो अधिष्ठान हो गया महाकाल और ये जो गिनते हैं ये हो गया छोटा काल। तो जैसे एक बीज है वो फूला, फिर उसमें से पेड़ निकला, फिर बड़ा हो गया, फिर फूल पत्ते आने लग गए, फिर फल आया, फिर फल बड़ा हुआ उसमें बीज निर्माण हुआ, फिर वो नीचे गिर गया, फिर सड़ गया, फिर बीज में से दूसरा निकला। तो यह जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस जिस आधार पर है वो है महाकाल। तो कैसे उदाहरण देते हैं साधु संत लोग, अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता और ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत और चित एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो जैसे पहले बीज है, फिर बीज भले नष्ट हो जाए लेकिन फिर पौधा है,
फिर पौधा बड़े बड़ा बड़ा हो जाए, फिर पेड़ है, फिर पेड़ में जो फूल फल लगे वो भी है, फिर वो फल सड़ गया लेकिन वो सड़ान है, फिर उसमें से बीज निकला। तो यह जो सत्ता है ये अखंड है, इस अखंड सत्ता को कहते हैं महाकाल। उज्जैन में जो है वो ये महाकाल है, और जिसको हम नाप रहे हैं वो हो गया काल। इस सब का जो आधार है वो एक ही तत्व है। और फिर दुखितस्य निशाकल्पा सुखितस्यैव चक्षणः, और आदमी जब दुखी होता है तो थोड़ा समय भी बड़ा कठिन लगता है। जैसे सत्संग को जिनको बांध के लाया है उनको यहाँ बड़ी परेशानी होती है, पता नहीं कब खत्म होगा, और जो स्वयं हो गया है उनको कोई परेशानी नहीं। तो क्षणे स्वप्ने भवित कल्पः कल्पश्च भवति क्षणः, एक क्षण में हजारों साल निकल जाते हैं और हजारों साल में एक क्षण भी निकल जाता है। फिर उन्होंने एक दो उदाहरण दिए थे। इसके पश्चात दूसरा सिद्धांत जो है वो है द्रव्य का, या मैटर जिसको हम वस्तु कहते हैं। यथा द्यप्ति उदेत्यंतस्तथा अनुभवति क्षणात् इति चित्त्यार्थता एति चित्तम चित्तार्थतामिव, जहाँ हमारे अंदर भान जागृत हो जाता है। जब गहरी नींद में है तब चेतना है लेकिन भान नहीं है। उस समय हमको ये पता नहीं हम कौन है, कहाँ है, क्या समय है, क्या करना है, भान नहीं है देखो, लेकिन चेतना है, वो शव नहीं है। तो कहते हैं यथा द्यप्ति उदेति अंतः तथा अनुभवति क्षणात् चिति चित्यत्व अर्थतामेति, तो जहाँ ये भान हो गया तो जो पहले शुद्ध चैतन्य था, शुद्ध चिन्मय तत्व था, वही अब वस्तु के रूप में, विषय के रूप में प्रकट हो जाता है। ध्यान से सुनना, इसका कारण क्या है? जो भान मैं के रूप में प्रकट हो गया, भान हो गया माने मैंने अपने को स्वीकार कर लिया, हाँ मैं कहाँ हूं, जहां मैं पैदा हो गया वहां अन्य पैदा हो गए। तो एक ही चिन्मय तत्व, एक ही चैतन्य भान के कारण ज्ञाता ज्ञेय इत्यादि के रूप में प्रकट होने लग जाता है, और चित्तम चित्तार्थताम एति, और जो मन है फिर उसके भान के बाद फिर मन निर्माण हुआ, फिर मन में फिर संकल्प विकल्प आने लग गए। इस प्रकार से एक ही चिन्मय तत्व दृष्टा दृश्य के रूप में प्रकट होने लगा। यथा भावितम तेषां पदार्थानां अतो बहु अभ्यास जनितम भाति नास्तिकम परमार्थतः, तो हमने विषयों को केवल अभ्यास के द्वारा, कल्पना के द्वारा स्वीकार कर लिया है, लेकिन यदि उसका चिंतन करो तो चिंतन करते थे पता चलता है इसमें कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं है। देखो उदाहरण देते हैं, जैसे दिया की ज्योति हो, ऐसे लगता है कि वो एक ही ज्योति है लेकिन उसमें अखंड परिवर्तन हो रहा है, वो वही ज्योति नहीं है। या दूसरा उदाहरण ले लो, ये ट्यूबलाइट का जो एसी करंट होता है उसमें एक साइड से दूसरे साइड तक के वो बीच में फिलामेंट तो है ही नहीं, केवल वो गैस जाती है आती है, और इतनी जल्दी जल्दी जाती आती है ऐसे लगता है कि ये जो लाइट है ये अखंड है, लेकिन अखंड नहीं है वो। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, शरीर है, जगत है, ये क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, लेकिन उसमें ऐसी कल्पना होती है कि ये नित्य है। स्वप्ने नगर नगरम उर्वी व शून्यम खातम च बुद्यते स्वप्नांगा च कुरुते शून्य अपि अर्थ क्रिया नृणाम। इसी प्रकार से सपने में हम अनेक वस्तु व्यक्ति देखते हैं, और सपने में जो हम भोग करते हैं उसका स्पष्ट अनुभव व्यक्ति को आता है। देखो क्योंकि वो भी कल्पना ही तो है, लेकिन जहां सपने से बाहर निकले तब उसको कल्पना स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार से
यह जो जागृत सपना है, जब तक इसमें बैठे रहेंगे तब तक कि इसको सत्य मानेंगे। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं, यदि कल्पना करो आप, यदि हम अपने सपने में प्रवेश कर सकते हैं, सपना चल रहा है और उसी सपने में आपने प्रवेश किया, तो आपको सपना सपने के रूप में ही अनुभव होगा। लेकिन वैसे होता नहीं। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवे। उसी प्रकार से साधु संत और हम लोगों में क्या फर्क है, यही फर्क है। हम लोग ये जगत को सत्य मानते हैं क्योंकि उसमें से निकल के फिर घुसे नहीं है। साधु संतों ने इस जगत में रहते हुए इस जगत के मिथ्यात्व को स्वीकार किया है और फिर इस जगत को मिथ्या स्वीकार करके फिर प्रवेश किया है, तो क्या होगा उसका प्रभाव? बड़ी सिंपल बात है। सिंपल बात यह है, मिथ्या वस्तु को देखने के पश्चात उस मिथ्या वस्तु के प्रति आकर्षण और इच्छा निर्माण नहीं होती, लेकिन उस मिथ्या वस्तु को देख करके राग द्वेष भी नहीं होता। वी एंजॉय दैट। यदि हमने इस जागृत जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार कर लिया तो इसका तात्पर्य क्या होगा? वी विल एंजॉय एंड वी विल नॉट डिजायर एनीथिंग। ये दोनों चीजें साथ साथ होना, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष दुखी नहीं होता, क्या करो यार, जब से रियलाइज हो गया बड़ा बोर हो रहा है। अच्छा महाराज, बालो व्योमयो वेतालम म्रियमाणम बरे वनम केशुंड्रकम खमन्यस्तु खमन्यो वित्ति मुक्तिकम। तो इसी भ्रांति के कारण एक एक क्षण में जैसे छोटा सा बालक कहीं भूत की कल्पना करता है और कोई सोचता है कि यहाँ कुछ हवा है चल रही है और कुछ यहाँ आया जा रहा है, भूत आया, ये सब की सब कल्पना केवल अपने मन के ही द्वारा होती है, वास्तविकता इसमें कुछ नहीं। तो क्या हो गया, जैसे सुवर्ण ही आभूषण बन जाता है, इसी प्रकार से एक ही चिन्मय तत्व यह संपूर्ण जगत बना है। दो प्रकार से समझना है, इस जगत का एक भाग मिथ्या है, दूसरा भाग सत्य है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। जगत में क्या है, अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद नाम और रूप, इसमें से नाम रूप परिवर्तनीय है और सच्चिदानंद तत्व ज्यों का त्यों है। तो जब हम इस जगत में जीते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ गई है? यदि नाम रूप को हमने सत्य मान करके जिए है तो संसारी है। यदि नाम रूप को देखते हुए भी यदि हमारी दृष्टि तत्व की तरफ है तो हम जीवन मुक्त है। देखो रोज के उदाहरण में ले लो, ज्वेलर, जब एक अम्मा जाती है ज्वेलर के दुकान में तो उसका आकर्षण होता है वो डिजाइन, उसका रंग, उसका यूनिक डिजाइन दूसरे किसी के पास नहीं, मेरे ही पास है, उस पे फंस गई नाम रूप में। और जो ज्वेलर होगा उसका ध्यान होगा उसमें गोल्ड है कि नहीं। तो इन आभूषणों को देख करके ज्वेलर जो है वो है जीवन मुक्त और ये जो अम्मा है ये है संसारी। देखो कितना स्पष्ट हो गया है। तो जहां हमने तत्व को तिरस्कृत करके उस पर अध्यारोपी जो नाम रूप है इसी को महत्व देना शुरू कर दिया तो हम संसार में फंस गए। ये एक बहुत बड़ा महत्व का सिद्धांत है, इसको ग्रहण करें अच्छी तरह से। औपाधिक अनेकता वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक होती है, मिथ्या होती है। जैसे एक ही सुवर्ण
उस पर उपाधियां चढ़ा दी गई। एक उपाधि के कारण सुवर्ण को कहते हैं यह वेडिंग रिंग है, दूसरे उपाधि के कारण उसी सुवर्ण को कहते हैं ये नोज रिंग है, उसी सुवर्ण को तीसरे उपाधि के कारण कहते हैं ये पायल है। तो ये जो अनेकता है ये नाम रूप की उपाधि के कारण है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, उस पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी उसको जगत कहा, उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी उसको जीव कहा, उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी उसको ईश्वर कहा। तो एक ही परमात्मा उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है। क्योंकि हम उपाधि में फंसे हैं तो हमको उपाधि के ही दर्शन होंगे। यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो यह जगत और यह जीव भाव और ईश्वर इन तीनों से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि हम ये नहीं करते तो हम क्या करते हैं, देखते हैं परमात्मा को और कहते हैं ये जगत है, हम है स्वयं परमात्मा स्वरूप कहते हैं कि हम जीव है, वह परमात्मा हमसे अन्य अलग नहीं है, उसी को हमने दूर ढकेल दिया, ईश्वर बादलों के ऊपर बैठा है। तो हमने एक परमात्मा को तीन गालियां दी, जीव जगत ईश्वर। और जब किसी को गाली दो तो आपको फूल थोड़ी मिलेंगे। इसी प्रकार से परमात्मा की पहली गाली है जगत। तो करें क्या, शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। ईशा वास्तविदम सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत, जब यह संपूर्ण जगत केवल ईशावास्य परमात्मा स्वरूप ही है, ये जब समझ में आता है दृष्टि में परिवर्तन आ गया। तेन त्यक्तेन वंजिता, फिर जगत के प्रति जो भोग बुद्धि है अपने आप शांत हो जाती है। महाकृता कस्य सिद्धनम, फिर यह जो संग्रह वृत्ति है ये भी खत्म हो जाती है। तो लाइफ बोर हो गई क्या, बोले नहीं, कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेषतकम समा। ऐसे महात्मा लोग 24 घंटे 100% जीते हैं। हम लोग ठीक है आज मूड नहीं है, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हाफ हार्टेडली लिव, होल हार्टेडली एवरी मोमेंट, तब वो जीवन मुक्ति का आनंद आता है। अच्छा महाराज, इसके पश्चात आगे कहते हैं नियति। नियति माने इस जगत को नियंत्रण करने की शक्ति को नियति कहते हैं। तो नियति क्या है, कहते हैं नियति अयति ब्रूहि की दृशे स्वप्न संविधि यावत भानम किल स्वप्ने तावत सा एव नियंत्रणा। अब यह जो जगत को नियंत्रित करने वाली परमात्मा की शक्ति क्या है, ये नियति अनियति स्वप्न में कौन सी होती है मुझे बताओ। स्वप्न का नियंत्रण कौन करता है, स्वप्न देखने वाला नहीं करता, जो स्वप्न में दुनिया देखी वो भी नहीं करती, स्वप्न के दोस्त दुश्मन वो भी नहीं करते। फिर उसकी सत्ता क्या है, यावत स्वप्न संविधि, जब तक के स्वप्न चल रहा है तभी तक सपनों के नियम है, स्वप्न खत्म हो गया नियम खत्म। इसी प्रकार से यह जागृत अवस्था जब तक हम सत्य मानते हैं तभी तक ये सब नियम लागू है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और नींद में कुछ बोल रहा हो तो जो आदमी जगा है वो उसके बोलने को सुनकर के क्या कहेगा, यार नींद में बकवास कर रहा है छोड़ो। एग्जैक्टली वैसे ही साधु संत हम लोगों को सर रहते हैं ना, तो कहते नींद में बोल रहा है, वो तो जग चुके हैं और हम अभी नींद में हैं, फिर जाकर के हम उनको ज्ञान सिखाते हैं, महाराज जी ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए, और वो मान लेते क्या नींद में। जग जाओ महाराज, जग जाओ। मांडुक्य उपनिषद में एक तो है निद्रा, दूसरा है स्वप्न,
हम जो कहते हैं ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति, हाँ वहां केवल निद्रा और स्वप्न है। तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, जब हमने अपने आप को ठीक से नहीं पहचाना तो हम नींद में हैं। तो अब हमारी दृष्टि से जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है ये तीनों की तीनों निद्रा है। अच्छा अन्यथा ग्रहणम, जो हम नहीं है कोई बात नहीं, कुछ और ही समझ लिया अपने आप को या जगत को, अन्यथा ग्रहणम उसको स्वप्न कहते हैं। तो यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबका सब सपना ही है, और जो अपने स्वरूप में जग जाता है उसके दृष्टि से ना जागृत है ना स्वप्न है ना सुषुप्ति है ना समाधि है। देखो इसीलिए ये नियति अनियति इसके चक्कर में ज्यादा मत फंसना। ये दो बातें हमने हजार बार बताई है, शेमलेसली फिर बताते हैं, केवल दो ही चीजों की तरफ ध्यान देना है। देहात्म भाव के निवृत्ति का क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन पर, वहां ध्यान देना है, वही साधना है। यदि हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया तो क्या होगा, तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो मर जाएंगे, दूसरा सो जाएंगे। अब हमको मरना भी नहीं सोना भी नहीं, जो तीसरी स्थिति है वो स्थिति यदि हमको उपलब्ध हो गई तो क्या होगा, जागृत अवस्था के जितने भी लाभ हानि हैं सबका सब शून्य हो जाएगा। जागृत अवस्था के जितनी भी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी। और जैसे जैसे ये जागृत अवस्था की इच्छाएं कम होने लग जाती है उतनी मात्रा में हमारा मन शांत रहने लग जाता है, क्योंकि इच्छाएं देह में नहीं होती मन में होती है। तो जितना मन शांत होगा उतना उस मन में चैतन्य का प्रकाश स्पष्ट रूप से पड़ेगा, और फिर उस चैतन्य के प्रकाश से जिज्ञासा प्रकट होती है कि ये जगत कौन है, क्या है, मैं कौन हूं। और तब हमको पता चलता है कि जो बताते हैं कि हम जीव है, जीव है माने देह में रहने वाले। तो सवाल ये है यदि मैं देह में रहने वाला हूं तो देह से अन्य हूं तो फिर मैं कौन हूं, तो कह दिया जीव है। यहां रुक जाते हैं तो योग शास्त्र शुरू हो गया, मैं जीव हूं इसको स्वीकार किया तो धर्मशास्त्र शुरू हो गया, मैं जीव हूं ये स्वीकार किया तो तपस्या शुरू हो गई, और यदि मैं जीव हूं तो जीव क्या है इसका अनुसंधान शुरू हो गया तो एक साधक का असली जन्म हुआ। देखो जितना साधारण संसारी का जीवन होता है वैसा ही जीवन योगी तपस्वी इन सबका होता है, क्योंकि वहां द्वैत का भान बना है और इसीलिए वहां एक दूसरे को शाप देता है आशीर्वाद देता है। जब तक के ये शाप शुभ चलते रहता है ना, ये ऐसे लोग जो होते हैं तपस्वी इत्यादि योगी, दे आर द मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स, इसको शाप दे दिया उसको शाप दे दिया। जब तक एकमेवा द्वितीय तत्व में नहीं पहुंचते तब तक के जीवन की परिपूर्णता नहीं। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसलिए ये नियति अनियति के चक्कर से अपने आप को बचावे। फिर स्थिरता, इसका क्या सिद्धांत है, स्वप्ने निमग्न धीर जंतु पश्यति स्थिरताम यथा, स्वर्ग स्वप्ने मग्न बुद्धि पश्यति स्थिरताम तथा। जब हम सपने में होते हैं तब हमको डेफिनेटली हर एक का अनुभव है कि यह सॉलिड रियलिटी है। सपने को कोई भी व्यक्ति यह सपना है ऐसे नहीं देखता,
सपने से जगने के बाद बड़े तीस मार्खा बन जाते हैं। ये जब सपना चल रहा है उस समय तो सॉलिड रियलिटी, देखो पसीना आता है, डर लगता है, हार्ट बीट बढ़ते हैं, कोई भयानक सपना देखा तो कहीं दूर पहाड़ी से नीचे गिर गई अपनी कार और हम हाँ चिल्ला रहे हैं, सब कुछ अनसॉलिड, और जब देखते हैं बिस्तर पर ही पड़े कहीं गिरे नहीं। हाँ, कई बार लोगों का हाथ अपने छाती पर होता है, और जैसे नींद क्या है, मन ने देह के आकार को त्याग दिया, उसको नींद कहते हैं। शरीर को नींद नहीं होती, मन को नींद होती है। तो जब ये मन ने देह के आकार को धारण किया था तो देह के वजन को थोड़ी मात्रा में यह मन पकड़ लेता है। तो ये अपना जो हाथ है, इस हाथ के आकार को मन ने धारण किया है, तो यदि इस हाथ का वजन 1 किलो हो तो लगेगा कि ये 800 ग्राम्स है, क्योंकि 200 ग्राम्स मन ने पकड़ लिया है। और यही हाथ जब छाती पर आके गिरा और गहरी नींद आ गई तो इस हाथ का वजन अपने ही छाती पर बढ़ा लगने लग जाता है, और फिर ऐसे लगता है कोई आके बैठा है मेरे छाती पर, और कोई मेरा गला घोट रहा है, हाहू हाहू परेशान, और निकल अपना ही हाथ था। कि वहां ऐसे लगता है कि रियली सॉलिड है। तो कोई भी व्यक्ति सपना ये सपना है ऐसे नहीं देखता, स्थिर लगता है। उसी प्रकार से सर्ग स्वप्ने मग्न बुद्धि पश्यति स्थिरता, इसी प्रकार से जिसने इस जगत को सत्य मान रखा है, माने इस जगत, जो जगत असल में सपना है, सर्ग स्वप्ने, दो प्रकार के विचार आते हैं। यह जो विराट जगत है ये ब्रह्मा जी का या हिरण्यगर्भ का या सूत्रात्मा का सपना है, और इस सपने में हम लोग हैं, फिर एक हमारा सपना है, फिर इस सपने में जो है उसका अपना सपना है। एक कहानी आती है योग वशिष्ठ में लीला की, उसमें एक के बाद एक सपने में सपने, पता ही नहीं चलता कहानी कहां ले जा रही है, आखिर में पता चलता है कुछ नहीं हुआ, खामोखाम परेशान रही, ये पहली से अलग लीला, दूसरी लीला, पहले वशिष्ठ दूसरे वशिष्ठ, ये मरा वहां चले गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। यही सत्य है महाराज, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थतः। इसीलिए यदि हमको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो अपनी जो भ्रांति है ये जगत सत्य है, इसकी एक बार छानबीन करें तो पता चलेगा जो वस्तु पहले हमको आकर्षण करती थी बचपन में खिलौने, अब बड़ा होकर के नहीं वो आकर्षण करती, बिकॉज वी आर ग्रोन आउट। पहले जो हमारे लिए महत्व की वस्तु थी अब नहीं है, पहले जो हमारे प्रिंसिपल्स थे अब बदल गए हैं, पहले जो प्रायोरिटीज थी अब वो बदल गई है, कहां स्थिर है इसमें, हर चीज बदल रही है। देखो अब हमको लगता है कि देह हमारा वही देह, वही देह नहीं है। यदि वही देह होता, ध्यान से सुनना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन एक दिन सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, कैसे आ गया, क्योंकि बदल रहा था, आपको भले पता ना हो। इसलिए सर्ग स्वप्ने मग्न बुद्धि पश्यति स्थिरताम तथा, तो इस जगत को जो सपना है इसको हमने सत्य मान लिया, इसीलिए स्थिर लगता है लेकिन स्थिर होता नहीं। स्थिरता इसलिए लगती है कि हमने स्थिर तत्व और अस्थिर प्रकृति दोनों की खिचड़ी बना के खा ली है।
जब बुढ़ा व्यक्ति कहता है कि आई डोंट फील आई एम ओल्ड, यू कैनॉट फील बिकॉज यू आर नॉट द बॉडी. जिसको फील हो रहा है वो शरीर नहीं है, मन है, और मन पर काल का प्रभाव नहीं होता क्योंकि काल की निष्पत्ति मन से ही है. जैसे गहरी नींद में मन सो गया तो जगने के बाद पहला काम हम क्या करते हैं, घड़ी देखते कितने समय तक मैं सो गया था, तो उस समय समय कहां गया था. और इसीलिए मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता, ना तो मन कभी मरता है. ये वैसे ही है जैसे बिजली का प्रकाश बल्ब में, वो जो का त्यों है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी प्रकार से मद शक्ति रिव ज्ञानम इति नामना सुसिद्धति देहो विज्ञान तो अस्माकम स्वप्नवन्नतु तत्वतः. तो यह जो शरीर है यह भी मद शक्ति ही इव ज्ञानम. जैसे कोई आदमी मदिरा पान करके उसके प्रभाव में आ गया है तो वैसा यह चैतन्य नहीं है. कई लोगों की ये भ्रांति होती है, यार ये तुम्हारा अध्यात्म है ना, इट इज ओपियम फॉर द फुल फूल्स. हम इसी बात पे कर रहे हैं. जो लोग जगत में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो अध्यात्म में चले जाते हैं, और हर एक लोगों की यही भ्रांति है. माने वेन वी आर अनफिट फॉर एवरीथिंग वी आर फिट फॉर स्पिरिचुअलिटी. जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, वेन यू आर अनफिट फॉर एनीथिंग, यू कैनॉट गेट गुड मार्क्स, यू कैनॉट स्टडी प्रॉपरली, यू हैव नो ब्रेन्स, ओ देन यू आर फिट फॉर ए गवर्नमेंट जॉब. इसी प्रकार से हमको लगता है अध्यात्म माने जो सब काम के लिए नालायक है अध्यात्म के लिए लायक. यहां कहते हैं यह ओपियम नहीं है. फिर देहो विज्ञानतः अस्माकम स्वप्नवन नतु तत्वतः. हम कहते हैं कि ये देह जो है इसको हमने स्वप्नवत स्वीकार किया है. ये नहीं कहा कि देह नहीं है, है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है ये समझना है. अब यह जो देह की जो हमारे जगत की अनुभूति है उसके सिद्धांत बताते हैं. आतिवाहिक एवायम चित्त देह कहा आदि भौतिकता दृष्ट्या गृहित चिर भावनात्. आदि वाहिक एव अयम, अयम माने यह जो हमारा स्थूल देह है, यह स्थूल देह जैसे जैसे हमारे मन ने देह को धारण किया है उसी प्रकार से ये देह बनता है. तो आदि भौतिक दृष्ट्या जब हमारे मन ने आदिवाहिक देह माने मन, इस मन ने यदि देह के साथ तादात्म्य कर लिया है तो मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं सुंदर, मैं नहीं सुंदर, मैं ज्यादा ही सुंदर, ये सब का सब आदि वाहिक माने मन अपने आप को देह मानने लग जाता है. गृहित शिर भावनात्, और उसके पीछे आधार क्या है, अभ्यास. अब देखो अभ्यास से क्या होता है. बचपन से बताया जाता है कि हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, इसका कोई गणित नहीं है कहीं. हम हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, बता दिया. और फिर धीरे धीरे उसको स्वीकार करने लग गए अभ्यास के कारण, और फिर वो इतना दृढ़ हो जाता है उसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं. अब आपको एक उदाहरण बताओ, किसी दूसरे देश की बात है. हम जब वहाँ गए तो हमको एक प्रश्न पूछा गया था, स्वामी जी हम दोनों ने शादी का निर्णय ले लिया है लेकिन हमारे घर के लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं, तो आप बताइए क्या करें. बोले इंटरकास्ट मैरिज है. तो हमने कहा कर डालो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता ये कास्ट का क्या चक्कर है. तो बोले सवाल ये है, हम है मोची और वो है कारपेंटर. अब मोची तो कारपेंटर से श्रेष्ठ होता है. अब ये जो इंटरकास्ट मैरिज है
इसका क्या करें। अब देखो हमको क्या लगता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही चक्कर है। हाँ उसमें भी है, कितनी विचित्र बात है। एक बार पिपरिया में हम थे, किसी के यहां रहते थे, घर में केवल दो व्यक्ति पति पत्नी और घर में काम करने के लिए चार नौकर। हमने कहा चार उठाने के लिए रखे क्या, दो आदमी हो एक से काफी हो जाता है। बोले नहीं स्वामी जी, यहाँ चक्कर ये है, जो खाना बनाने वाली है वो बर्तन साफ नहीं करते। बोले मेरा काम नहीं, हमारे जाति में बर्तन साफ नहीं करते। जो बर्तन साफ करने वाली है वो झाड़ू नहीं लगाती। बोले हमारी जाति में झाड़ू नहीं लगाते। जो झाड़ू लगाने वाली है वो कहेगी कि हम गार्डनिंग नहीं करते, हमारे जाति में वो तुच्छ काम माना है, हम झाड़ू ही लगाते। हाथ धो गई। इसके पीछे कोई अभ्यास के सिवा कारण नहीं है, और यही बात हमने अपने पर लगा ली है। मैं देह हूं, मैं देह हूं। इसीलिए संतो, जब जब आपको समय मिले ना, बाकी जो करते करते रहो, शुरू कर दो छोटा छोटा, 10 सेकंड 20 सेकंड। क्या करना है, केवल शांति का श्रवण और अपने आप से बोलना बंद। और ये धीरे धीरे लंबे समय तक करते करते एक दिन ईश्वर के अनुग्रह से क्लिक हो जाएगा। इसी को योग शास्त्र में कहते हैं आत्मख्याति। फिर हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। व्यक्ति जितना अपने स्वरूप के पास पहुंचता है उतना दुनिया से दूर हो जाता है। देखो, जितना एक ज्वेलर सुवर्ण के पास पहुंचता है उतना नाम रूप से दूर हो गया। और इस जैसे हम केवल अभ्यास के कारण देहात्म भाव में फंसे हैं, उसी प्रकार से अभ्यास से ही यह गलत धारणा मिट जाएगी। तो ये दो प्रकार से जीवन में काम आता है। एक तो संग्रह बुद्धि कम हो जाती है, और दूसरी संबंध निर्माण करना बंद हो जाता है। हम कितने संबंध निर्माण करते हैं, और दुखी होने के कारण ये दो है, संग्रह और संबंध। इन दोनों बोझे को ढोने वाले मूर्ख को कहते हैं ईगो या संसारी। बिना संग्रह संबंध विचार करके देखो, यू कैनॉट थिंक। विचार करने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। विदाउट ए रेफरेंस यू कैनॉट थिंक। इस अभ्यास से, ईश्वर के अनुग्रह से एक दिन क्लिक हो जाता है। और क्लिक होना माने क्या, जगत के प्रति जो आकर्षण है वस्तु व्यक्तियों का, वो मिनिमम हो गया। भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। अच्छा महाराज, फिर अतिवाहिक देहेन दृश्यम यद अवलोकितम भूम्यादि नाम तस्य कृतम तच्चादि भौतिकम। फिर यही मन जब जगत को देखता है तो दो प्रकार की बातें निर्माण होती है। एक तो बाहर का जगत है, दूसरा मन के अंदर का जगत है। ये मन के अंदर का जगत जो है वो हमको परेशान करता है, बाहर का जगत नहीं परेशान करता। देखो, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं उस वस्तु की इच्छा नहीं होती, और जिस वस्तु की इच्छा नहीं होती उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं होते। प्रयत्न नहीं है तो थकावट नहीं है, मौज ही मौज है। ये सिद्धांत ये टेली मार्केटिंग में करते हैं,
बताएंगे टीवी पर 11 बजे का प्रोग्राम आता है, जब सब लोग काम में चले जाते हैं, ये माता है घर में काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो देखना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ एक एक नए नए चीज करते, अमुक अमुक वस्तु है ये इतना बढ़िया काम कर देगी, इसमें आप बच्चों के साथ कपड़े डाल दो तो धो करके फ्रेश होकर के बच्चे फ्रेश होके स्कूल में जाएंगे। हाँ, इतना बढ़िया मशीन है, इस मशीन की कीमत है 4 लाख रुपए, लेकिन अभी ऑर्डर करो तो 2 लाख रुपए मिलेगी, तुरंत ऑर्डर कर दी। और घर में आने के बाद फिर देखते, अरे अपने बच्चे तो बड़े हो गए, ये देखा ही नहीं था कि बड़ा बच्चा भी अंदर जाता है। ज्ञान के बाद ही इच्छा होती है, जिसका ज्ञान नहीं होता उसकी इच्छा नहीं होती। देखो, एक बार हमने सत्संग में कहीं कुछ कहा था किसी दूसरे देश में, तो वो सज्जन मुझे पूछने लगे, स्वामी जी मुझे वहां जाना है जो आपने कहा था। हमने कहा मैंने कई बातें कही है, मुझे कोई याद नहीं। बोले नहीं, आप वहां आए थे, आपने एक स्थान की बात बताई थी, वहां ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। जब तक कि उनको मालूम नहीं था, शांत थे, मालूम हो गया, अब चलो हमको जाना है कैलाश मानस पर। वहां जाकर के फ्रस्ट्रेट होके वापस आते, खामोखाम गए थे। क्या करोगे वहां जाकर के, वही खाना पीना रहना और क्या। लेकिन यह जो जो अपूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है, ध्यान से सुनना, अपूर्ण वस्तु का ज्ञान आपको इच्छा निर्माण करके कर्म में लगाता है, पूर्ण वस्तु का ज्ञान आपके मन में इच्छा निर्माण नहीं कर सकता। उदाहरण ले लो 1 BHK 2 BHK, अपूर्ण आकाश 200 स्क्वायर फीट, मुझे पता नहीं कितने स्क्वायर फीट होते हैं, 200, 400, 1000 स्क्वायर फीट इच्छा हो गई, संपूर्ण आकाश, सब पूरा आकाश ले लो ना, नहीं नहीं इसका क्या करेंगे। बॉम्बे के जो लोग हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाले मकानों के, वो कहते हैं बाय 1 फ्लैट इन आवर बिल्डिंग एंड गेट बॉम्बे फ्री। बॉम्बे की किसी को इच्छा नहीं होती, एक फ्लैट की होती है। कितनी सरल बात है। इसीलिए जो परमात्मा को चाहता है उसके अंतकरण से चाह निकल जाती है। भगवान इच्छा का विषय नहीं है। तो जितना निरीच्छ होगे उतने प्रभु के पास है। तो वास्तवेन तु रूपेण भूम्याद्या भूमाद्या आत्मादि भौतिकः न शब्देन न चार्थेन सत्यात्मा शशश्रृंगवत्। इसलिए यह संपूर्ण जो जगत है यह केवल अपने मन की कल्पना ही है, वास्तविक नहीं है, ना शब्द से ना अर्थ से, केवल शशश्रृंगवत् माने जैसे खरगोश के सिंह, ये शब्द मात्र, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से यह जो जगत है इसका कोई अर्थ, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। और कितने परिवर्तन हो रहे हैं और ये होते रहेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप इट। कई लोग ये जगत को, यहां के पॉलिटिकल टर्मोइल को देखकर इतने परेशान होते हैं। देखो मोहनजोदड़ो हड़प्पा, एक जमाने में बहुत जबरदस्त ये था सिविलाइजेशन, वहां से सिंधु नदी जाती थी, अब वो सूख गई तो पूरा का पूरा एकदम खत्म हो गया। पेरू में चले जाओ, वहां मिचू पिचू है, वहां माचू पिचू में चले जाओ, एक जमाने में बहुत बड़ा वहां एक साम्राज्य था, अब केवल खंडर पड़े हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। लेकिन ऐसे फंसे हैं इस दुनिया में। देखो महाराज, तो क्या सब छोड़ के आपके जैसे बाबा जी हो जाए, प्लीज डोंट, मेरा मार्केट चला जाएगा। तो करना क्या है, इस दुनिया के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के दुखी होने का धंधा बंद कर दो। हमारी एक ही साधना है,
चाहे आप उसको कोई भी योग लगा लो, और वो है मौज में रहो, दुखी मत होना। इसके ऊपर भी मुझे प्रश्न आया पूना से, स्वामी जी आपने कहा कि दुख आने के बाद भी दुखी नहीं होना चाहिए, ये कैसे संभव है? बहुत डिफिकल्ट है ये। तो हमने कहा डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन कैसे करें? हमने कहा दुखी नहीं हो करके, दुखी कैसे नहीं होवे, कोई उत्तर है इसका? तो हमने कहा मैं तुमको एक चाटा मारता हूं और फिर रोना मत, उसको कहते हैं दुखी नहीं होना। देखो संतो, हमारे प्रश्न कैसे है, यदि किसी को तैरना नहीं आए तो पानी में कूदना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं जी, गिर डूब जाएगा। अच्छा, जब तक पानी में नहीं कूदते तब तक के तैरना आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो क्या करे? तैरने पर नोट्स निकालो। देखो हम नोट्स निकालते हैं ब्रह्म, और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ब्रह्म की एक स्लाइड है। देखो ब्रह्म को पावर पॉइंट से दिखा सकते हैं क्या? हम एक बार गए थे और हमको पूछा स्वामी जी हमने पूरा पावर पॉइंट का भी प्रेजेंटेशन कर दिया है, आपकी पेन ड्राइव तो दे दीजिए। अरे किसका पावर पॉइंट? बोले अभी अभी वो अम्मा आ गई थी, उसने दिए थी हमको लेक्चर, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था, पूरा लेक्चर भगवद गीता का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमने कहा हम आपको दो चीज करेंगे, या तो कन्विंस करेंगे या तो कन्फ्यूज करेंगे। कन्विंस हो गए तो आपका भला हुआ, कन्फ्यूज हो गए तो मेरा भला हुआ। देखो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इज ऑब्जेक्टिविटी इन नॉलेज। पावर पॉइंट से ऑब्जेक्टिविटी होती है, यू कैन नॉट बिकम सब्जेक्टिव, और यही संसार है। सो आतिवाहिकम एवेशा भूतानां विद्यते वपुः, अत्रादि भौतिक व्याप्ति ही असति एव पिशाचिका। इसलिए यह संपूर्ण जगत केवल मन में मात्र है, और यही केवल स्थूल देह के साथ तादात्म्य करने से जो असत है उसको भी हम सत मानने लग जाते हैं, इसी को कहते पिशाचिका। यही भयानक माया है, यही भयानक पिशाच है। इसीलिए ये सब का अर्थ क्या निकला, ध्यान से सुनना, बहुत पुरानी बात है। एक बार हम ठाणे से बम्बई आ रहे थे, सुबह का हमारा प्रवचन था त्रिपुरा रहस्य पर, और उस त्रिपुरा रहस्य के प्रवचन के पश्चात जब हम आ रहे थे तो उसमें ये विचार था कि हमको जो भी ज्ञान होता है वो केवल काल्पनिक है, वास्तविक कल्पना मात्र है। तो हमको जो हमारे मित्र ड्राइव कर रहे थे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा स्वामी जी आपने जो कहा कैसे संभव है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये कल्पना है। हमने कहा पहले गाड़ी रोको, मुझे जिंदा रहना है। फिर हमने कहा देखो आप लोग डॉक्टर हो, हम तो अनपढ़ हैं, किसी भी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के लेंस के माध्यम से रेटिना पर पड़ता है, और वो प्रतिबिंब को मन ग्रहण करता है, और वो मन यदि चैतन्य के प्रकाश में नहीं नहा रहा हो तो वस्तु सामने होती हुई भी दिखती नहीं। तो ज्ञान किसका हो रहा है? केवल प्रतिबिंब का ज्ञान हो रहा है, प्रतिबिंब माने इमेज। तो इमेज सत्य होती है क्या? प्रतिबिंब सत्य नहीं होता। जैसे दर्पण में यदि अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो उस अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण जलता नहीं, माने उस पर प्रभाव नहीं होता। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लो कि जिसका जिसका हमको दर्शन हो रहा है वो केवल उसका हमारे मन पर प्रतिबिंब पड़ा है और प्रतिबिंब का दर्शन हो रहा, प्रतिबिंब बिंब के जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं, और उस प्रतिबिंब की स्थिति
उस दर्पण के स्थिति पर अवलंबित है। दर्पण यदि मिट्टी से ढका है तो ठीक से नहीं दिखेगा, दर्पण यदि हिल रहा है तो स्थिर नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से हमारा मन जब शांत है, प्रसन्न है, तो तत्व जो का त्यों प्रकट होगा। लेकिन हमारा मन एकदम किसी कारण से राग द्वेष से परिपूर्ण है तो जो जैसा है वैसा नहीं दिखेगा। उस पर हमारे राग द्वेष का चश्मा लग गया, जो नहीं है वो दिखने लग जाता है। अन्यथा अच्छा खासा समझदार इंटेलिजेंट लड़का क्यों शादी करता है? उस प्रतिबिंब को सत्य मान लिया। फिर बाद में परेशान होता है, ये प्रतिबिंब ठीक नहीं था। देखो ये दुनिया में फंसो मत रे बाबा, निकल जाओ, बहुत हो गया दुनिया का चक्कर। अच्छा, दृष्टु दृश्यो हो अनन्यत्वम। अब अगला सिद्धांत है, कहते हैं किंचित प्रचलिता भोगात पयो राशि व उर्मया इव स्वतेज स्पंदिता भोगा दीपारिव मरीचया स्वमरीचे बलोद्भूता ज्वलिताग्नेकणा इव मंदार मरी मंजरी रूपा चंद्रबिंबा दिवांशवः। उन्होंने 12-13 उदाहरण दिए हैं। इसमें कहते हैं जैसे समुद्र और उसकी जो तरंगे हैं, तो समुद्र तरंगे हम दो कहते हैं, लेकिन क्या वो दो है? समुद्र में जो स्पंद आ गया तो स्पंदित समुद्र को ही लहर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समुद्र एक होता है, लहरें अनेक दिखती है। तीसरी बात, कोई भी लहर बाहर से नहीं आती समुद्र में, तो फिर निर्माण होती, निर्माण भी नहीं होती। फिर पहले वो अव्यक्त रूप से रहती है और फिर व्यक्त हो जाती है। उस लहर का अभाव नहीं होता, क्योंकि अभाव से कुछ निर्माण नहीं हो सकता। देखो, तो जैसे समुद्र और लहरें दो इसलिए कहते हैं कि हमारा ध्यान अनेकता की तरफ गया तो लहरें कहेंगे, और एक की तरफ गया तो समुद्र कहेंगे। इसी प्रकार से रूप रंग अनेक है, आपका ध्यान दृष्टि की तरफ गया तो रूप रंग का प्रभाव आप पर नहीं। कई बार हम लोग करते हैं ना, चश्मा पहली बार लगता है तो डॉक्टर के पास गए और कहते डॉक्टर साहब मैं ठीक से पढ़ नहीं सकता। तो जाओ कॉलेज में पढ़ो, सीखो। नहीं नहीं वैसे नहीं, दिखता नहीं ठीक से। तो उस समय हम हाथ में कागज लेकर के जब देख रहे हैं तो ध्यान से सुनना, उस समय हमारा ध्यान कहाँ होता है? जो लिखा है उस पर नहीं होता हमारा ध्यान, होता है क्या हम उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं। तो भले हम वस्तु को देख रहे हो, लेकिन ध्यान होता है दृष्टि के तरफ। कितनी सरल बात है। इसी प्रकार से जगत को देखो, लेकिन ध्यान रखो मन के तरफ। जगत में अनेकता है, हम उस अनेकता से प्रभावित हो जाते हैं और मन का तिरस्कार हो गया। भगवद गीता में भगवान यह सिद्धांत बताते हैं, हम पढ़ते तो है लेकिन प्रभाव नहीं होता अपने पर उसका। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्जस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। जगत केवल द्वंद्वात्मक है, हर चीज जुड़वी है, एवरीथिंग इज इन ट्वींस। इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता। सुख दुख लाभ हानि मित्र दुश्मन ऐसे ही है। तो करना क्या है, ऐसे जगत से झगड़ा मत करो, फिर ध्यान रखो अपने मन का। तो जहां हमने अपने मन के समत्व को महत्व दिया है वहां ध्यान रखा है, तब देखेंगे कि हमारा मन ही अनेक रूप प्रकट कर रहा है। इसको हमने बताया है, फिर से अपने आप को रिपीट कर रहे। दृष्टि कारण है, रूप रंग कार्य है।
रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की दृष्टि चली गई है उसके लिए कार्य रूप रंग की सत्ता नहीं है। इसीलिए रूप रंग क्या है, दृष्टि का ही एक्सटेंशन है। अब और अंदर चले जाओ, एक ही मन भिन्न इंद्रियों से बाहर प्रकट होता है और उसको तीन चार नाम दिए जाते हैं, दृष्टि, श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति, रस शक्ति, गंध शक्ति। मन तो एक ही है, तो ये मन में ये पांचों चीजें इकट्ठी है, लेकिन आंखें केवल रूप रंग को ही देखेगी, कान केवल शब्द को ही श्रवण करेंगे, लेकिन मन इन सब के परे है। ये इंद्रियों के आकार है, इसको गोलक कहते हैं, आंखों का गोलक है, कान का गोलक है, नाक का गोलक है, मन का कोई आकार नहीं। फिर और अंदर चले जाओ, इससे निकलेगा क्या, मन ही इंद्रिय है, इंद्रिय ही विषय है। अब कहां बैठे हो आप, विषयों में बैठे रहोगे तो भटकते रहोगे, वहां से निकल के मन में इंद्रियों में आ जाओ। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, भगवान यही कहते हैं कि जो हमको काम परेशान करता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, इसको बचाने के लिए बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतैर् विमोहयत्तेषा ज्ञानमावृत्ति योगिनः। देखो तो यह जो काम है इसका निवास स्थान है इंद्रिय, मन और बुद्धि। पहले इंद्रियों के जीत लेता है, उसके बाद फिर वहां मन मन इंद्रियों को जीत लिया, फिर मन में प्रवेश किया, फिर काम मन में आने के बाद क्या करता है, एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे नहीं होगा, फिर दुखी हो गए, तो मन को दुखी कर दिया, फिर वहां से काम कहेगा हाँ अब मेरा काम हो गया, अब फिर जाएगा अंदर बुद्धि के पास, बुद्धि के पास चला गया, फिर वहां उसका प्रभाव होगा, मान अपमान। देखो तीन स्टेज में काम कर रहा है काम। सबसे स्थूल क्या है, इंद्रिय। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो जितनी साधना है अपने पेरी फेरी से हट करके सेंटर में पहुंचना है। पेरी फेरी है जगत की विषय वस्तु, वहां से आगे जगत के विषय वस्तु को प्रवेश करने के जो द्वार है मन में, उन द्वारों को कहते हैं इंद्रिय। पहले इंद्रियों को बंद करो, विषयों का त्याग कर दिया समझदारी से, इंद्रियों का नियंत्रण कर दिया अभ्यास से, फिर आ गए मन में। अब यहां हमारा ध्यान मन की तरफ हो, क्या ध्यान हो, मन की संतुलन किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देनी, मन का समत्व, यह सर्वोपरि है आध्यात्मिक साधना में। किसी ने कुछ अच्छा बुरा कह दिया, मूड खराब अपना, बुढ़ा लोगों का होता है ये बहुत ज्यादा, किसी बुढ़ाओ को पूछो बाबूजी आपके तबीयत ठीक है ना, जिंदा है बेटा, आपको किसी ने कुछ कहा क्या, कौन कहता है हम जिंदा है कि मरे हैं, कौन जानता भी नहीं, खाना हो गया आपका, मिल जाएगा टुकड़ा एक हाथ कोई फेंक देगा, तो समझ लेना वो फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। देखो अपने यहाँ जो बुढ़ापे में माँ बाप के दो कार्य क्रिए किए जाती है, 60 साल होने के बाद षष्ठब्दि पूर्ति करते हैं और 80 साल होने के बाद वो 100 चंद्रमा देखने का करते हैं, इसका कारण क्या है, एक ही कारण है, बुढ़ापे में या कोई भी उम्र में ले लो, विशेष करके बुढ़ापे में जब व्यक्ति को ये भान हो जाता है, I am unwanted in this world.
वो दुख मृत्यु से भी भयानक होता है। और इसीलिए ये बच्चे लोग कहते हैं पापा का आप 60 साल हो गए अब मनाएंगे, तो बुढ़ाओं को लगता है चलो दैट मीन्स आई एम स्टिल वांटेड। देखो बहुत महत्व की बात है, ये पुस्तकों पे नहीं मिलेगी आपको, अपने अंदर ढूंढो। जहां व्यक्ति को ये भावना होने लग जाती है समझ लेना वो मन में फंस गया, बुद्धि में फंस गया है। इसीलिए धीरे धीरे अपने आप को बाहर से हटा करके अपने स्वरूप के पास ले आए, तब पता चलेगा कि जो विषय है वो इंद्रिय का ही एक्सटेंशन है, इंद्रिय जो है वो मन का एक्सटेंशन है, मन जो है वो बुद्धि का एक्सटेंशन है, बुद्धि जो है वो चेतना के प्रकटीकरण है, चेतना जो है ये कुंडलिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है, कुंडलिनी शक्ति परमात्मा की है और परमात्मा इन सब के परे है। ये है मार्ग, दिस इज द GPS। लेकिन हमको जाना तो है, कहां जाना यही मालूम नहीं। साधना करेंगे काहे के लिए, मेडिटेशन करेंगे क्यों, नहीं सभी करते हैं, कोई फैशन है क्या? जब तक के आपको गंतव्य स्थान का पता मालूम नहीं होगा तब तक के आप GPS का प्रयोग नहीं कर सकते। वो पूछता है डेस्टिनेशन तुमको क्या करना है, वो कैसे ले जाएगा आपको? तो हमको दो चीजें आवश्यक होती है GPS में, आप कहाँ हो और पहुंचना कहाँ है। तो फाइंड आउट वेयर आर यू। तो हम फंसे हैं दुनिया के संग्रह में, हम फंसे हैं दुनिया के संबंधों में, हम फंसे हैं पुरानी यादों में। निकलो वहां से। अच्छा कहां जाना है? अपने स्वरूप में, जहां ना संग्रह है ना संबंध है ना यादें हैं। तब एक दिन हरि कृपा से आपको पता चलेगा ये ऐसी यात्रा है कि जो देश में नहीं काल में नहीं, ये ऐसी यात्रा है जिसमें आप निकलते नहीं कहीं से और पहुंचते नहीं कहीं। कबीर जी कहते हैं कोई हद कहते हैं कोई अनाहद कहते हैं, और हद अनाहद के परे हम अपने खटिया पर पड़े हैं। देखो संतो, इसीलिए एक ही सिद्धांत ये 15 चीजों में बताया है। सर्वादृत दृश्यो दृष्टु व्यतिरिक्ता न स्वरूपतः, इसीलिए यह जो दृश्य और दृष्टा और दर्शन ये तीनों के तीनों एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा तमोगुण की उपाधि के कारण दृश्य बनता है, वही परमात्मा सत्वगुण की उपाधि के कारण दृष्टा बनता है, और वही परमात्मा रजोगुण की उपाधि के कारण ये दृष्टा दृश्य को इकट्ठा लाता है। एक ही तत्व अनेक रूप से प्रकट हो गया है उपाधि के कारण, और यदि उपाधि के परे चले जाओ तो ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। और देखो हम सबको मालूम है, जब लोग आते हैं ना मेडिटेशन सीखने के लिए तो अपने आप बिना बोले ऐसे बैठ लेते, अब क्या करना है, तो शांत बैठना ही सबको मालूम है। तो पहले शरीर से शांत हो जाओ, फिर प्राण से शांत हो जाओ,
फिर मन से शांत हो जाओ और फिर शांति अशांति के परे चले जाओ। कारण तत्व किसी का विरोधी नहीं है, शांति अशांति की विरोधी है, अशांति शांति की विरोधी है, तत्व किसी का विरोधी नहीं है। जैसे आकाश किसी भी आकार का विरोधी नहीं है, सभी आकारों का आधार है, लेकिन इन आकारों के आधार के होने के बावजूद भी उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं है, ये निराकार ही रहेगा। तत्व हमेशा निर्गुण निराकार होता है। जहां गुण लग गए वहां संसार शुरू हो गया, और गुण लगने का कारण इंद्रियों की गुलामी, विषयों का महत्व, मन की चंचलता पर नियंत्रण न होना, बुद्धि में मय का प्रभाव, इन सब से बच करके जब निकलते हैं तब ये बात समझ में आती, सर्वादृश्य दृश्यो हो दृष्टु व्यतिरिक्ता न स्वरूपतः, संपूर्ण जगत जो है वो देखने वाले से अन्य नहीं है। और ये कोई कठिन बात नहीं है। कैसे, एक बालक है, उस बालक को देखने वाली दो माताएं हैं, एक उसकी माँ है, दूसरी समाज सेविका है। उन दोनों को उस बालक को देख करके भिन्न दर्शन होंगे। वो जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसके बेवकूफी में उसको ज्ञान दिखता है, उसकी गंदगी में उसको अच्छा लगता है। देखो कारण क्या है, वो बच्चा जो है मेरा एक्सटेंशन है, और जो समाज सेविका होगी वो, आजकल के बच्चे बहुत विचित्र हो गए, हम जब बच्चे थे तब ऐसे नहीं थे, तुरंत फिलासफर बन जाएंगे। कारण उसके साथ उसका तादाद में नहीं है। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब बात में समझ में आ जाती है, दो चीजें हैं, एक है जिसको कहते हैं आत्मख्याति। तत्वमसी महावाक्य का उपदेश जब होता है उसमें तीन पदों का विवरण है, तत्त्वम असि, तत् माने वो जो भी हो, त्वम माने आप, असि माने हो, आप वो हो, यू आर दैट। तो पहले त्वम पद का शोधन करना है, मैं या त्वम माने कौन, तो इसका शोधन करना माने शुद्धिकरण करना है। पहले अपने आप को संग्रह के गंदगी से धुला लो, फिर संबंधों के गंदगी से धुला लो, फिर अपने देहात्म भाव का त्याग हो गया, फिर प्राणमय कोश को जीता, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को, आनंदमय कोश को, ये करते करते हम पहुंच गए अपने स्वरूप में, उसको कहते हैं आत्मख्याति। और योग शास्त्र में उसका स्थान होता है विशुद्ध चक्र। ये हो गया त्वम पद शोधन, यही तक नहीं रहना, आगे जाना है। फिर आगे है तत्पद शोधन। तत्पद शोधन माने क्या, सब में परमात्मा का दर्शन करना। तो पहले आत्मख्याति, मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। फिर यह जो आत्मा है, यह हर शरीर में अलग नहीं है, एक ही परमात्मा सभी देह में प्रकट हो रहा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो मैं आत्मा हूं, इसकी परिणति अल्टीमेटली अहम ब्रह्मास्मि में, ये आज्ञा चक्र में होती है। तो ये चेंज आने के लिए फिर शुरू हो जाती है भक्ति की साधना। केवल वेदांत हो और भक्ति नहीं हो तो हम केवल गाल बजाते रहते हैं। दोनों की आवश्यकता है। वेदांत अपने पर लगाना है, जगत के साथ व्यवहार भक्ति के सिद्धांत से करना है। यही बात योग में भगवान कृष्ण के अनुसार, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, जैसा हम अपने आप को देखते हैं वैसा दुनिया के जो देखने लग जाता है उसको कहते हैं योगी।
केवल आओ और ट्विस्ट करे वो योगा नहीं है। देखो तो धीरे धीरे यह बात जब अपने हृदय में बैठ जाएगी कि संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है, तो ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जैसे इंद्रियों के लिए कोई भी विषय अपना पराया नहीं है, मन के लिए कोई भी वृत्ति अपनी पराया नहीं है, चैतन्य के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि कोई भी अपनी पराई नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा ही विस्तार है। यह जो ज्ञान है इसी को कहते हैं अब हम अपने जीवन में योग्य दिशा में चल करके योग्य स्थान अपने स्वरूप में प्राप्त हो गए। इसके पश्चात दूसरा आता है कि दृष्टु दृश्यस्य बीजत्वम्। यह जो जगत है इसका निर्माण कौन करता है, कैसे होता है, कौन इसका कारण है, इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।